वेलसम गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लॉ फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार प्रैक्टिकल एक ऐसी बात बोली गई है, अगर जिंदगी में इसको आप लोग उतार लोगे तो बहुत सारी आप लोगों की समस्या छूमंतर हो जाएंगी। क्या बोला गया? बोला गया है कि योर टाइम इज लिमिटेड। आप लोगों क्या लगता है कि इस धरती पर आ गए हो, बस यहीं पर ही रहने वाले हो? भाई साहब, मैक्सिमम आप लोग देखते हैं, अगर आज की डेट का एक एवरेज निकाले, 70-80 साल इंसान जीता है, ठीक है, 70-80 भी ज्यादा बोल दें, इससे पहले निकल लेते हैं बहुत सारे। तो सोचो अपना, अगर जिंदगी में आप लोगों को टारगेट है चलो 100 साल जीने हैं, तो 100 साल भी एक लिमिटेड टाइम है। क्या इन 100 साल में जो आप लोगों को जिंदगी मिली है, क्या दूसरों को देख देख कर गुजार दोगे कि हाँ वो इंसान यार ये कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब ये कर रहा है, मतलब कि उसको फॉलो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं? अपनी खुद के बारे में नहीं सोचना है कि आप लोगों की जिंदगी क्या है। तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि आपका पर्पज क्या है, यहाँ पर बस यही जिंदगी जीने आए हो क्या यहाँ पर, कि हाँ सबको देखते रहो कौन कौन क्या क्या कर रहा है, बस उसी में लगे रहो। एक दिन क्या होगा, उम्र निकल जाएगी, अपनी सैया पर लेटा होगा इंसान और ये कहेगा यार कुछ भी नहीं किया जिंदगी में। कुछ ऐसा तो प्रोडक्टिव करो कि आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोगों ने अपनी जिंदगी जी है। उसके लिए पर्पज आप लोगों को खोजना पड़ेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये कि भेड़ चाल में मत चलो। होता क्या है, एक इंसान चल रहा है उसके पीछे पीछे चलकर सारे कुएं में गिर गए, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए। और ना ही कूप मेंढक बन रहे हैं, अपना दिमाग को खोल के रखो। कुछ नया सीखने का मौका मिलता है तुरंत उसको सीखो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जिंदगी का नाम ही है कि हमेशा एडवेंचर से भरी हुई होनी चाहिए। ये वाली तरीके से आप लोगों को लाइफ जीनी है। तो बोला सीधे सीधे यहां पर ये गया कि योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग द समवन एल्स लाइफ। किसी और की लाइफ मत जीना। और बहुत शानदार इंसान के द्वारा बोले गए, ये थे स्टीव जॉब्स साहब। ये वो इंसान है जिसने ऐसी कंपनी बनाकर खड़ी कर रखी है कि हमारी कंट्री के लगभग जीडीपी के इक्विवेलेंट है। अकेली एक कंपनी, समझ रहे हैं, उसकी कंपनी अकेली एक ऐसी है कि कंट्री की जीडीपी के बराबर है। तो आप लोग समझ सकते हैं उस इंसान ने कितना बड़ा एक अचीवमेंट अपनी जिंदगी में किया है। वो हमेशा ओरिजिनल तरीके से सोचता था, ऐसा नहीं कि एक तरीके से किसी को फॉलो कर रहा है उसके बारे में सोचना, नहीं, वो अपना एक ओरिजिनल कॉन्टेंट निकाल के लेकर आता था हमेशा। तो ये होता है जिंदगी जीने का तरीका। वो अपनी जिंदगी को इस तरीके से जी करके एक तरीके से सैल्यूट करने वाली बात होती है यहाँ पर। तो आप लोगों को भी कुछ ऐसे अपनी जिंदगी में करना है। अपनी देखो तो सही कि आप लोगों का मन किस चीज में लगता है, ठीक है। सामने वाला बंदा है कि उसको आईएएस की तैयारी करनी है, अरे यार वो कर रहा है, पापा ने बोल दिया तुम भी कर लो, अरे यार तुम्हारा मन ही नहीं लगता है, तुम्हारा मन सिंगिंग में लगता है, ठीक है, तुम्हारा मन किसी और चीज में लगता है और आप लोग आईएएस की तैयारी में लगे, किताब उठाते ही नींद आने लगती है। ऐसा थोड़ा ना होता है यार, अपना इंटरेस्ट जानो और उसमें इंटरेस्ट में जब आप लोग काम करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे मुझे क्या है, मुझे मतलब मजा आता है पढ़ाते हुए। मेरी जिंदगी जिंदगी भर की क्या मतलब, दिन में अगर मैं कितना भी टेंशन में हूँ, कितना भी इरिटेट हूँ, कितना भी फ्रस्ट्रेट हूँ, जैसे ही मैं लैपटॉप के सामने बैठता हूँ कि वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी है, तो पता नहीं मतलब एक तरीके से ना दुनिया से डिस्कनेक्ट सा हो जाता हूँ। मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि मतलब कि ऐसा लगता है कि पता नहीं यार क्या होने वाला है, पर जब मुझे पता है कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं जो चल रहा है वो एक जगह चल रहा होगा। बस ये मेरी एक तरीके से डिफरेंट तरीके की मेरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है यूट्यूब पर आते ही। ये क्या है मतलब कि ये काम करने मुझे मजा आता है, इसलिए होता है। वरना सोचो जिंदगी में इतनी सारी दिक्कतें चल रही है साइड में और मैं यहाँ पर बैठकर वीडियो को एंजॉय कर पाता हूँ कई बार। तो ये क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इस काम को एंजॉय कर रहे हो जो आप लोग कर रहे हो, तो बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हो, और अगर जबरदस्ती काम चल रहा है तो फिर बिल्कुल सही जगह नहीं हो। ये बात अंदर तक उतार लो, और जब तक ये बात अंदर तक नहीं उतरेगी तब तक आप लोग अपने काम में प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आ पाओगे, और तब तक आप लोग उस चीज को किसी और की देखम देख में जिंदगी को जीते हुए नजर आओगे। आगे समझ में, तो अगर समझ में आ गई तो बताइए थम्स अप देकर, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितनों को जो है बात अच्छी लगी और कितनों को बुरी लग गई, ठीक है। चलिए जो भी है, बाकी आप लोग की लाइफ है यार, मैं तो बस आप लोग को बता सकता हूँ जीनी आप लोग को अपने हिसाब से। ये बहुत ही शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, टकटकी लगाकर वीडियो को आप लोगों को देखना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ उम्दा आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। करंट और स्टैटिक का बहुत शानदार एक मिक्स बेस होगा जो कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से आगे लेकर जाएगा, ठीक है। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एसएलबी फैमिली, मुझे ये लगता है कि आप लोगों को हर एक जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना एग्जाम में, उस एग्जाम का एक पूरा क्राइटेरिया आप लोगों के पास में होना चाहिए कि हाँ यार लगना चाहिए कि बंदा पढ़ रहा है, ठीक है। मैं बेसिकली अगर कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एसएलबी फैमिली के मेंबर होने के नाते वो चीज आप लोग रिवाइज करोगे और आप लोग उसको याद रखोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं छोड़ोगे। तो इस तरीके की आप लोग धारणा बनाओ थोड़ी सी, आप लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी और आती भी है अगर आप लोग कंटिन्यूअसली उस पर काम करते हैं। बड़े ही शानदार टॉपिक है, एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहले बता देता हूँ नीति आयोग के बारे में जानेंगे। एक ईपीआई करके एक इंडेक्स है रिलीज किया गया, यहाँ पर मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस के साथ में मिलकर, आखिर क्या है डिटेल में समझेंगे पूरा क्या क्या मुद्दा है सारा। नीति आयोग एक काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और पास्ट में टाइम में अगर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं।
नीति आयोग से। तो नीति आयोग के बारे में पूरे डिटेल में बातें कर लेंगे। अभी यहाँ पर इसके जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और नीति आयोग के सीईओ कौन है, यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है और कौन इसके चेयरमैन है, ये भी आप लोगों को बताना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो रैंकिंग यहाँ पर तैयार की गई है, इंडेक्स तैयार किया गया, इसमें एक राज्य ने टॉप पर अपनी पोजिशन बनाई है। तो टॉप वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, टॉप वाला राज्य कौन सा है ये बताइए। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बातें करूंगा, कई बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए भी चीजें आ जाती हैं, तो इसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में जानेंगे पूरा, और एनटीए क्या है ये भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, पूरा डिटेल में बातें करेंगे अच्छे से। यहाँ पर अमेजन वेब सर्विस, आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप अमेजन से जाकर कुछ भी खरीद लेते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। उसने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में कुछ थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है कि जैसी स्किल के साथ में आज के दिन में हम लोग जी रहे हैं ना, और ये बड़ी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इस आर्टिकल को जब डिस्कस करूंगा आप लोगों को कई सारी बातें समझ में आएगी कि जैसी जिंदगी अगर आप लोग जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी जीते रहे और आप लोगों को लग रहा है कि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है और जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आने वाले टाइम में और ज्यादा टफ चीजें होने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग कोई काम अच्छे से कर रहे हो, उसमें आप लोगों का मन रह रहा है, तो अपनी स्किल को बढ़ाते रहो, उसमें कुछ ना कुछ नया करते रहो उसमें, ठीक है, ताकि कल को कंपटीशन हो तो आप लोग कंपटीशन से आउट न हो जाओ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को ये बताना है कि किसके द्वारा ये इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है, मिनिस्ट्री है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके मिनिस्टर साहब कौन है ये भी आप लोग बता दीजिए। निपुण एक पर्टिकुलर शब्द यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, निपुण, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि निपुण क्या है। इसको बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, यानी कि रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और न्यूमरेसी के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हो गया पूरा निपुण, किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ये इनिशिएटिव है ये आप लोगों को बताना है। ये यहां से मुझे पता नहीं क्यों लगा कि क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूजन में डालकर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। हॉर्नबिल हॉर्नबिल जो होती है, इनके नेस्ट अडेप्शन प्रोग्राम के बारे में बात की गई, काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, एक राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, पर लेकिन जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, पर लेकिन ये दोनों के दोनों राज्य जो हैं वो अलग अलग हैं, एक राज्य नहीं है। तो आप लोगों को हो सकता है कि जहां पर हॉर्नबिल नेस्टिंग ये अडॉप्शन प्रोग्राम के बारे में बात करें, सबसे पहले इस राज्य के बारे में बात करेंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मली फेमस ये है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, जैसे हमारी कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर है नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और वहां पर कई बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल पर टोपियां वगैरह पहनते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है, यानी कि उनका जो एक तरीके सीमो वाली जो टोपसी होती है वो आप लोगों ने कई बार पिक्चर देखी होगी, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए यहाँ पर जो न्यूज में रहता है उसके चलते आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और वीडियो के अंत तक अगर आप लोग बने रहोगे तो आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा कि कल का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसका एक रिवीजन आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 24 घंटे में अगर जो पढ़ा आप लोगों ने उसका रिवीजन कर लिया तो लंबे समय तक वो आप लोगों की मेमोरी फॉर्मेशन होगी, लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओगे, पर लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो फिर छुमंतर हो गया, कुछ मतलब नहीं रहता उसका कि पढ़ा था और सब कुछ गायब हो गया। तो ये चीजें कुछ देखिए आप लोग जिंदगी में जो कि आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है, बात करते हैं आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर भी कवर किया गया और भी कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया और कई बार आप लोगों से रिपोर्ट्स के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में आप लोग इसको देख सकते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें यहाँ पर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली अमेजन के बारे में, तो यहाँ पर अमेजन वेब सर्विस के द्वारा क्या किया गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट जब भी कोई तैयार की जाती है ना उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि ये बताया जाए कि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बेसिकली सामने लाया जाए। तो रिपोर्ट ये बताती है कि प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। मतलब क्या, आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास में अपनी रिपोर्ट लेने के लिए कि भाई साहब देख कि ब्लड में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, मुझे क्या कोई प्रॉब्लम है, थायराइड का टेस्ट करा लिया, थायराइड चेक करना मेरा एक बार, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने चेक कराया, तो इससे क्या पता चल जाता है, आप लोगों को पता चल जाता है ये प्रॉब्लम है, अब इनका सॉल्यूशन, यानी कि दिक्कतें हैं भाई साहब, अब इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये कैसे काम चलता है, रिपोर्ट, तो सारी रिपोर्ट जो होती है वो आप लोगों को नॉर्मली कई बार आप लोगों को समस्याएं बताती हुई नजर आती है, जैसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना था ना, तो उसने क्या बताया, क्लाइमेट की प्रॉब्लम चल रही है भाई साहब, सॉल्यूशन निकाल लो। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई, आगे 27-28 होगी, तो इनमें क्या क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, हमारी कंट्री के द्वारा भी टारगेट रखे गए, याद है क्या था टारगेट बताइए जरा, क्या क्या टारगेट थे, 5 टारगेट चलिए लिखे आप लोग नीचे, वो 5 टारगेट बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जब कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो आपको झुकेगा नहीं इनको अचीव करेगा, तो वही वाली बातें हैं, बताइए वो पांचों के पांचों टारगेट क्या हैं। अभी यहां पर इनके द्वारा बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलेगी कि नेक्स्ट ईयर जो नंबर ऑफ इंडियन वर्कर्स हैं उनको डिजिटल स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि आने वाले टाइम में सारी चीजें जो है वो डिजिटल लेवल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की डेट में भी अगर मैं आप लोगों से बात करूं
आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बैठकर, ये लेक्चर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। हेल्थ की सर्विस कई सारे ऐप वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे प्रोक्टो वगैरह ऐप हो गया। खाने की सर्विस के लिए आप लोग ऑलरेडी ऐप यूज कर ही रहे हो, जैसे कि जोमेटो वगैरह या फिर दूसरे और ऐप हो गए। इसी के साथ में आप लोग, जब आप लोगों से बात की जाती है, आप लोग ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हेल्थ के लिए अगर आप लोग बात करेंगे तो और कई सारे ऐप आ रखे हैं, जैसे हेल्थ के बारे में हेल्थीफाई ऐप हो गया, ठीक है। आप लोग अपनी कैलोरी को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ऑनलाइन आज के डेट में सारी चीजें आप लोगों को ये ऐसी देखने को मिलेगी कि इंसान को अगर मोबाइल चलाना नहीं आ रहा है, इवन मैं किसानों के बारे में बात करूं तो गन्ने के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो गन्ने से रिलेटेड भी किसानों के लिए ऐप यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी जमीन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो हर एक चीज के लिए आज की डेट में आप लोगों के मोबाइल में ऐप है। तो यहाँ पर उस मोबाइल के ऐप को अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है जान नहीं रहा है कि कैसे उससे अपडेट रहना है, और जान नहीं रहा है कल को अगर फ्रॉड होता है क्या करना है, और अगर कुछ नई स्किल सीखनी है तो उसको कैसे करना है, तो वो जो है वो पीछे छोड़ जाएगा। तो डिजिटल जो डिजिटल स्किल है यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर उसके लिए बोला गया है। और यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो डिजिटल स्किल फॉर देयर जॉब इज सेट टू इंक्रीज 27.3 मिलियन, जो आज के डेट में अगर बात करें जो रिप्रेजेंट करेगा 7% ऑफ द कंट्री वर्क फोर्स का। यानी कि आने वाले टाइम में जो यहाँ पर डिजिटल स्किल वाले लोग वो बढ़ने वाले हैं काफी ज्यादा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने मिलियन 27.3 मिलियन, मतलब अगर इसमें लाख में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 270 लाख आप लोग बोल सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर इसको करोड़ में आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.7 करोड़ आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से इतने सारे लोगों को यहां पर आने वाले टाइम में बेसिकली डिजिटल स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये देश की जो वर्क फोर्स होगी, यानी कि देश में जो काम करने वाले लोग होंगे, उसका 7% आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा जो डेटा है काफी इंपॉर्टेंट होगा, यहां पर आप लोग समझ सकते हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। तो माइंड में आप लोगों इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। और लिखने के लिए अगर कुछ आता है डिजिटल के फील्ड में तो आप लोग वहां पर भी इसको लिख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगर मैं आप लोगों से करूं, ये रिपोर्ट आगे ये भी बोलती है कि 95% जो वर्कर है उनका जब सर्वे किया गया तो ये एक्नॉलेज किया गया कि डिजिटल स्किल के बारे में जब आप लोग उनसे पूछोगे, ठीक है, कि जो वर्कर्स यहाँ पर सर्वे किया तो इंडिया के द्वारा, कि उनके द्वारा अगर डिजिटल स्किल उनसे पूछा जाए तो उनको रिक्वायर उनको एक्वायर करने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो उनके पास में स्किल नहीं है, उनको स्किल लेने की जरूरत पड़ेगी, तो उनको रिक्वायर्ड है। इनके बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो कि ये प्रॉब्लम फील कर रहे हैं कि यार उनको पता होना चाहिए। आज की डेट में जैसे आप लोग बात करेंगे क्लाउड जो डेवलपर कई सारे टूल्स आ रहे हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेशन की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें। अभी मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था एक पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर में, तो उसमें ये था कि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कहीं पर जाकर ऑफलाइन कोई ऑफिस बनाना है, ठीक है। सारे के सारे कस्टमर जो हैं और सारे के सारे जो इम्प्लॉय जो हैं वो सब आप अपने घर पे हैं, और आप लोग उनको ऑनलाइन थ्रू मीडियम से कनेक्ट करके रख सकते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे उदाहरण थे उसमें कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है आज के डेट में वो, मतलब एक पर्टिकुलर जो नई कंपनी बन रही है जो कि कभी एक दूसरे से मिले भी हो, मतलब कंपनी चले हुए एक एक साल हो गए, दो दो साल हो गए, पर वे आज तक किसी से मिले नहीं है फिजिकल फॉर्म में, वे उसको ऑनलाइन ही टैकल कर रहे हैं सारी चीजों को। तो यानी कि घर पर बैठे बैठे इंसान जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट और साइबर सिक्योरिटी स्किल अगर इंसान को पता है तो सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं। और ये जो स्किल है ना, इनमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है पर्सनली, अगर मैं फील करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम लोग वुमेन यानी कि महिला के बारे में बात करेंगे। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कई बार की घर से जाएगी महिला लड़की तो यार वो कैसे काम करेगी, पर लेकिन आप लोग यहाँ पर सोचिए अगर लड़की घर से बाहर जा रही है उसकी जिंदगी जो है वो कैसे कटेगी आराम से, मतलब एक तरीके से टेंशन रहेगी कि कभी छेड़खानी हो जाए, दुनियादारी और सोसाइटी आप लोग समाज देखते हैं। तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम अगर इंसान कर रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर अगर सिटी में भी रहना है घर पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो सिटी में कोई रूम लेकर अपना आराम से रहा जा सकता है। वहां पर अगर घर पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे काम किया जा सकता है आसानी से। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अपने घर वालों को सपोर्ट भी कर पाएगी आसानी से, और देर रात तक घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा अपना काम करने के लिए, नाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें मुझे आप लोगों को बतानी पड़ रही है कि लड़कियों को घर से नहीं निकलना इस टाइम पर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग आज की डेट में भी इन चीज में काफी लैक कर रहे हैं। हालांकि ऐसी नहीं है कि चीजें इंप्रूव नहीं है, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। तो वही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जॉब न मिलना, बाहर के डर के जाकर जॉब छोड़ देना, इससे अच्छा है कि घर से अगर जॉब कर ले जाए तो कैसा रहेगा। तो ये मुझे काफी बेहतरीन तरीका लगा काम को करने का। तो ये यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बूम होने वाला है, पर लेकिन उसके लिए क्या रहेगा, इंसान को मोबाइल एप्लीकेशन इसी के साथ में लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी जो कैसे यूज करना है उसको ये सारी पता होना चाहिए। मतलब मोटे मोटे भाषा में बोलूं तो इंसान को स्किल आनी चाहिए। स्किल अगर उसके पास में नहीं होगी तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर यूज करेगा जो स्किल, यहाँ पर डिजिटल डिवाइस कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से पूछा जाए,
तो मतलब डिजिटल जो भी डिवाइस है, मोबाइल वगैरह कैसे यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्च क्या करने हैं, मेल वगैरह कैसे यूज करने हैं उनको, ये सारी चीजें उसको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। जैसे आज के टाइम आप लोग देखो, आप लोग मम्मी, अगर आप लोग इससे मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है अगर, ठीक है, तो अगर उनको बोलो कि मोबाइल यूज करना है, तो बस आप लोगों ने नॉर्मली देखने को ये मिलेगा कि बस ये मोबाइल पे ये बटन है, इससे सुन लेना और इसे काट देना, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये रहता है कि मतलब उन्होंने डिजिटल इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको डिजिटल इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो उनको मतलब ज्यादा एक तरीके से कि वो ज्यादा मतलब एक तरीके से नहीं, एक हम लोग बोल देते हैं अंडरमाइन करने लगते हैं उनको देखकर कि हाँ कुछ भी नहीं पता है इनको, अपने फील्ड में महारत है भाई साहब, उनके सामने आप लोग टिक भी नहीं पाओगे, पर ये उनको कभी इनका पालन नहीं पड़ा इस तरीके की चीजों से। और खासकर जब एक एज हो जाती है तो इंसान के अंदर रिजिडिटी आने लगती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी सीखते रहते हैं, शाहरुख खान के टाइप के, जिनको बुढ़ापे से कोई मतलब नहीं है जिंदगी कैसी चल रही है, उनको नई टेक्नोलॉजी नई स्किल आनी चाहिए हमेशा, तो ऐसे लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं जिंदगी में, अभी ये बोला गया कि एक साइड में तो डिजिटल स्किल हो गई, ठीक है, दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा एसटीएम, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, यानी कि बोला गया नॉट इक्वल, एक तरीके से देखिए समझिएगा जो बोलने जा रहा हूं, आप लोग समझ पाएंगे कि डिजिटल का कितना एक तरीके से महत्व यहां पर होता जा रहा है। नॉट इक्वल टू एजुकेशन इन द जो क्लासिकल जो ये है ना डिसिप्लिन, एक तरीके से ये जो है आगे ये आप लोगों को बहुत ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा, डिजिटल वाला फील्ड आप लोगों को ज्यादा ताकतवर नजर आएगा आने वाले टाइम में, एज कम्पेयर टू अगर इसके साथ में भी आप लोग बात करें, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इंसान एक साइड में ये कर रहा है और दूसरी साइड में अगर उसकी स्किल है डिजिटल में ये वाले मुद्दे में, तो वो इंसान एक तरीके से ज्यादा एक तरीके से आप लोग बोलेंगे उसको प्रेफरेंस मिलता हुआ नजर आएगा। तक नहीं है कि आप लोग इनको दोनों को कंपेयर करने बैठ जाओ, मतलब एक तरीके से बता रहा हूँ इनकी दोनों की अपनी अपनी जगह है, ठीक है, ये सारी अपनी जगह है, पर फिर भी यहाँ पर ये अभी है नहीं इतना, पर आगे बढ़ता हुआ ये बहुत ज्यादा नजर आने वाला है। ये रिपोर्ट बोल रही है कि इसमें हम लोगों को काम करना पड़ेगा, अगर ये स्किल यहाँ पर लोगों को आ जाती है तो उससे काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बढ़ती नजर आएंगी। जैसे ये वाली स्लाइड अगर आप लोग देखेंगे तो बोला ये गया कि 73% अगर बात करें ऑफ द एम्प्लॉय रिपोर्ट के हिसाब से कि स्किल शॉर्टेज है इंडस्ट्रीज के अंदर में, यानी कि जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं बहुत कम स्किल्ड लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर वो ये कि काम चलाना पड़ता है कि जैसे तैसे काम चल रहा है। 65% टुडे जो चिल्ड्रन है, ठीक है, जो न्यू जॉब में टाइप करेंगे तो एक तरीके से आज की डेट में आने वाले टाइम में ऐसी जॉब उनको देखने को मिलेगी जो अब तक एग्जिस्ट भी नहीं करती है, यानी कि जब तक वो पैदा हो रहे हैं अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार मैं बैठकर ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं खुद भी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में ज्यादा कनेक्ट नहीं था, ठीक है, मैंने आज के में मैं पढ़ा रहा हूँ बैठकर ऑनलाइन, ठीक है। इवन अगर आप लोग बात करोगे यहाँ पर ये तरीके से, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने सपने में भी, तो उस टाइम पर जब मैंने यहाँ पर ये देखा तो कोई बोल भी नहीं रहा था कि ऐसा भी कोई काम किया जा सकता है क्या। तो आप लोग समझ सकते हैं हम लोग 1 मिलियन का परिवार होने वाले हैं, तो ये समझते इससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। पर लेकिन इंटरेस्ट ये कि मुझे लोगों से कनेक्ट रहने में, समझाने में, ये चीजों को करने में मजा आता है, जैसे कि पढ़ाने में। कई सारे लोग बोलते हैं बोर नहीं लगता क्या पढ़ाते रहते हो, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अभी था एक दोस्त बातें कर रहा था, कह रहा है कि यार तुमको लगता नहीं मतलब इतने दिनों से रेगुलर लेक्चर ले रहे हो बोर नहीं हो जाते हो अंदर से, और ऐसा नहीं लगता कि यार चलो आज रहने देते हैं, आज सुबह उठते नहीं है, छोड़ो यार बहुत हो गया, ऐसा नहीं लगता, कभी फीलिंग नहीं आती है। तो यार देखो ये ना इंसान का नेचर हो जाता है, जैसे कि मैं पहले से एक मॉर्निंग पर्सन रहा हूं, मुझे पहले से सुबह उठना अच्छा लगता है, मुझे ज्यादा देर तक रात तक जगना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर हाँ ऐसा है अगर मैं मूवी देखने बैठ जाऊं तो मैं देर तक भी जग लेता हूँ, वो एक अलग बात है, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट के बेस पर काम करना मुझे ज्यादा पसंद रहता है। मैं कहीं भी मुझे कोई ये बोलने लगे कि तुमको फोर्स किया जा रहा है ये काम कर लो, तो यार मेरा मजा ही नहीं आता है, ठीक है, मेरा मिल्खा सिंह वाली बात हो जाती है कि मेरे पैर ही नहीं पड़ते उस काम में, पर जो काम करने मेरा मन लगता है, मेरा मन कर रहा है, तो मैं कितने घंटे काम कर लूं मुझे पता ही नहीं है मैं कितने घंटे तक लगा रहा हूं, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो इसका मतलब है कि जिंदगी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, जिस दिन वो समझ में आ गया तो आप लोग चीजों को एंजॉय करते हुए नजर आओगे। तो ये बातें बेसिकली बताई मैंने यहाँ पर, तो आप लोगों को तैयार रहना है स्किल में कि आगे पता नहीं कैसी जॉब मिल जाए, किस तरीके से आप लोगों को काम करना पड़ जाए, तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है। मेरा बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है बोलने का, 80% ऑफ डिजिटल जो लीडर है आने वाले टाइम में हाईलाइट करें न्यू वे ऑफ वर्किंग एज द टॉप इनेबलर ऑफ देयर सक्सेस, यानी कि आने वाले टाइम में नई तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, और जिस तरीके से डिजिटल के फील्ड में आप लोग काम करोगे उसी से सक्सेस का मंत्र निकल कर आएगा। 57% ऑफ जॉब्स जो है वो आर एट द रिस्क ऑफ ऑटोमेशन, यानी कि जैसे कि आप लोग देखिए, क्या अभी आप इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, अभी मुझे याद आ रहा है जिस टाइम पर मैं बीटेक कर रहा था उस टाइम पर यहाँ पर बेसिकली मदर डेयरी थी, उसमें जो प्लांट है उसमें गए हम लोग, और पूरा का पूरा प्लांट जो था वो 8 से 10 लोगों के द्वारा वो पूरा मैनेज किया जा रहा, मतलब पूरा का पूरा ऑटोमेशन है उसमें, आप लोगों ने बस दूध डाल दिया सफाई वफाई करने के लिए, देख रेख करने के थोड़ा बहुत, बाकी सारी की सारी ऑटोमेशन पे चीजें वहां पर चल रही है। तो ये क्या हो गया, अभी बोला जा रहा है कार बनाई जा रही है, सारी की सारी ऑटोमेशन पे रोबोट काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ड्राइवर लेस कार आ रही है, तो सोचो यहाँ पर कितनी सारी जो ऐसी चीजें हैं जिसके चलते बोला जा रहा है कि लगभग 57% इनकी जितनी जॉब अभी है उसकी लगभग 60% जॉब जो है वो गायब होने वाली है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉब नहीं रहेगी, अब दूसरी जॉब आ जाएंगे। अब ये सारी जो मशीन यहाँ पर चल रही है, इनके सॉफ्टवेयर डेवलप करना, इन सारी मशीन की टेक्नोलॉजी को सीखना, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनका सोल्यूशन निकालना, इन सारी टेक्नोलॉजी को बेसिकली मैन्युफैक्चर करना, इनके प्रोडक्ट को बनाना, तो वो जॉब आ जाएगी। पर लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो यहाँ पर स्किल रहेगी तो ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए नई चीजें सीखने से मत डरिए और हमेशा वो काम को करिए जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट रहता है। डिजिटल जो है वो बात करें डिसरप्टिंग द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल वे में आप लोग जिंदगी को जी रहे हैं ना, जो आज के में चल रही है, अच्छा ये चीजें चल रही है, उस तरीके से पैटर्न चल रहा है, ये उसको खत्म कर रहा है, एक नया पैटर्न जिंदगी को जीने का लेकर आ रहा है यहाँ पर। और ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिस भी देश ने कर लिया, जैसे जापान को देखो शानदार तरीके से काम कर रहा है, साउथ कोरिया को देखो, जर्मनी को देखो, यूएसए को देखो, चाइना को देखो, ये काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगे पड़े हैं भाई साहब, लदे पड़े हैं, बिल्कुल नहीं घुसे पड़े हैं उसमें कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। और ऐसा नहीं है कि हमारा देश पीछे छूट गया, भाई साहब हम क्या पीछे छूट जाएंगे, हम भी काम करेंगे, तो हम भी काम करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, ठीक है, स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर द लाइवलीहुड संकल्प आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी आप लोगों को अगर इनके बारे में देखिए बात करना, ये सारी स्कीम क्यों बता रहा हूं मैं यहाँ पर आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इनको अच्छे से इसको समझ सके, ठीक है, ताकि आप लोग कल को चलकर अगर आप लोगों से लिखने के लिए आ जाए तो आंसर लिख सके। तो मेरा पर्पज ये नहीं रहता है कि आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है, पर्पज ये रहता है प्रीलिम्स मेंस और इवन इंटरव्यू भी कोई पूछ ले तो उसके लिए आप लोगों को तैयार करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर कौशलाचार्य अवार्ड स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिस और इसके साथ में स्किल में, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को नजर आ जाएगा। इसी के साथ में आत्मनिर्भर स्किल इंप्लॉई जो यहाँ पर और इंप्लॉयर मैपिंग देखने को मिलेगा, स्किल सर्टिफिकेशन नेशनल जो स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आप लोगों के सामने नजर आ जाएगा। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इसके बारे में समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर तो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका था, ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर में, तो बोला गया कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आती है, ठीक है। एक ये था यहाँ पर कि बेसिकली इसके की एम क्या है यहाँ पर, किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए प्रोवाइड यहाँ पर ये करा, किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, तो उस स्कीम को एक बार मैं कवर कर लेता हूँ क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री वहां पर गलत दे रखी थी उस क्वेश्चन में, ठीक है, कि किस लिए यहाँ पर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत कंट्री को काम कराना है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं देखने को मिले। तो आप लोग ही साथ ही साथ में एक स्कीम भी यहाँ पर कवर हो जाएगी, ठीक है, टॉपिक तो कवर हो गया, अभी ये स्कीम है यहाँ पर, ये नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बोल सकते हैं, एक स्कीम होगी आप लोगों की जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये काफी इंपोर्टेंट एक स्कीम है हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये यहाँ पर चलाई जाती है। इंप्लीमेंट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि ये स्किल डेवलपमेंट करने का काम करती है। यहाँ पर क्या रहता है बेसिकली एक तरीके से यहाँ ये इसकी ट्रेनिंग जो होती है, असेसमेंट जो फी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है, बस लोगों को स्किल मिलनी चाहिए। देखिए होगा क्या, कल को अगर कोई कंपनी हमारे देश में आती है और उनको स्किल्ड वर्क फोर्स मिलती है और वो भी सस्ते वाली जिसमें ज्यादा मेहनत उनको नहीं करनी है, तो दुनिया भर की कंपनी हमारे यहाँ काम करने के लिए तैयार होगी। चाइना में आज के इतना सारा जो माहौल आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि उनके द्वारा स्किल को डेवलप किया गया। तो स्किल ट्रेनिंग जो है ये काफी बड़ा रोल प्लेगी, सिक्योर करेगी एक बेटर लाइवलीहुड, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडिविजुअल अगर जो कोई है उसके साथ में अगर काम करेंगे मिलकर और प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस अगर रहेगा स्किल का, तो उसके बेस पर यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिलेगा जो कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बोला गया इंडिविजुअल विद प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस स्किल आल्सो यहाँ पर असिस्ट एंड द सर्टिफाइड, एक तरीके से सर्टिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पर लेकर चला जा रहा है, तो इसके चलते कॉम्पिटेटिवनेस जो भी है उसमें आप लोग अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग के अंदर भी जो है एक तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा काम को करने का, एक वर्क फोर्स में आप लोग लग पाएंगे। तो ये सारे काम आप लोगों को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क के तहत चीजें देखने को मिलेगी, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, सारी सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योर वाली स्किल, फाइनेंशियल, डिजिटल लिटरेसी, तो सारी चीजें सिखाई जाएगी जिस जिस सिस्टम में जो जाना चाहते हैं उसके हिसाब से उसको काम कराया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये बेसिकली इसके बारे में याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो काफी अच्छे से आप लोग चीजों को टैकल कर लोगे, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल में क्या देखिए, कल को ना डिजिटल सिस्टम के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसटीएम क्या है इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आप लोगों से कोई पूछ ले। इसी के साथ में पूरा अगर डिजिटल जो यहाँ पर डिजिटल के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए कि क्या रोल प्ले करने वाला है और क्या रिक्वायरमेंट है, तो पूरा शानदार तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्कीम है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया और एक पर्टिकुलर स्कीम तो मैंने पूरी कवर करा दी। तो इस तरीके से पढ़िए चीजों को कि यार हर एक पॉइंट आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ये ना लगे यार ये चीजें रह गई हैं इसमें, तो उस तरीके की चीजों को लेकर चलें। आया कि नहीं समझ में, तो फीडबैक जरूर देना, थम्स अप देकर बता सकते हैं अगर टॉपिक पसंद में आता है, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा तुरंत, बटन को शरमाइएगा मत और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहीं पर कोई डाउट है तो उसको दूर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कवर किया गया बेसिकली यहाँ पर ये टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है, गवर्नमेंट का सोर्स है और गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग अगर माना जाता है, ठीक है, या जो नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो एक अलग बात है, वरना गवर्नमेंट के सोर्स में से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया सेकंड एडिशन। सेकंड एडिशन किसका यहाँ पर, पहले तो संस्करण कौन सा है, दूसरे नंबर का है यहाँ पर। तो सेकंड एडिशन यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। तो पूरी की पूरी जो न्यूज है ये पीआईबी की न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी और वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक एक पॉइंट आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो आप लोग समझिएगा जो जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर सके। आर्टिकल को ऐसे सुना करो कि सुनने के बाद में किसी को पढ़ा दो बैठकर, ठीक है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है, बेसिकली यानी कि पढ़ना ऐसे है कि किसी को पढ़ा सको। अगर वो वाली टेंडेंसी में आप लोग एक बार आ गए तो ये भी पता होगा आप लोग क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे देखिए, ठीक है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी का जीएस 2-3 के अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज या मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करें, अब यहाँ पर इस टॉपिक को ऐसे आप लोग सुनिए कि आप लोग किसी को पढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि अगर पूछ लेगी यहाँ पर ये जो किसके द्वारा जो यहाँ पर जो जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, अगर कोई आप लोग से डायरेक्ट कोई पूछ ले, इसको हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर दो लोग हैं मिलकर काम करते हैं, अकेले के बस की बात नहीं है। तो नीति आयोग पार्टनरशिप करते हैं किसके साथ में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर ये पूरा इंडेक्स तैयार करते हैं और फिर इसको रिलीज किया जाता है कि हाँ भाई साहब कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने शानदार परफॉर्मेंस दी। तो जब इनके द्वारा चेक किया गया इस परफॉर्मेंस को जाकर, तो सबसे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस के बारे में जब यहाँ पर बात की गई किसकी सबसे शानदार परफॉर्मेंस है, तो नंबर वन पर आप लोगों को गुजरात देखने को मिलेगा। तो गुजरात ने यहाँ पर इसको टॉप किया है, तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, गुजरात वासियों को एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। दूसरे नंबर पर कांग्रेचुलेशंस टू किसको, महाराष्ट्र वालों को, महाराष्ट्र वालों ने शानदार परफॉर्मेंस। तीसरे नंबर पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, बताऊंगा, कर्नाटक वालों को भी बताइए। और चौथे नंबर पर यहाँ पर तमिलनाडु। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे तक रटने की जरूरत है ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पर ऊपर से आया गुजरात, दूसरे नंबर पर यहाँ पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक और चौथे पर तमिलनाडु। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे देखकर एकदम हंसी आई, मैंने कहा वाह, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हो गया, ठीक है। तो पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। रैंक इसलिए दिए इस तरीके से ताकि एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज ना हो सके, ठीक है, आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है ये चार पिलर के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप लोग इसको देखोगे, चार पिलर है जो कि यहाँ पर एक तरीके से इसके सिलेक्शन में जैसे जैसे यहाँ पर काम चल रहा है। पहले पॉलिसी का, कि कैसी पॉलिसी बनाई जा रही है, कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी है, कैसी स्ट्रेटजी चल रही है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को कैसे लेकर चल रहे हैं। तो कोई भी देश है ना, आज के डेट में इतना संपूर्ण नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय कर सके, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, फिर डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसमें हमको कैसे नुकसान और फायदा होता था। मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉलर की वैल्यू अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपेयर में अगर कम होगी, यानी कि पता चला एक डॉलर जो है वो आज की डेट में हमारे 100 रुपए के बराबर हो गया, तो ये उस देश को फायदा होगा जो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उसका। पर लेकिन हमारा देश कैसा है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हमको तो दिक्कत हो जाएगी वहां पर। तो ऐसे आप लोग समझा करो चीजों को। देखिए टॉपिक के ना, अगर आप लोग अंदर घुसोगे ना थोड़ा सा, उसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन, अगर आप लोग उसको ऐसे समझोगे तो ना तो एग्जाम में रटना पड़ेगा, ना ही क्वेश्चन को देखकर आप लोग हड़बड़ाओगे या भूल गए तो क्या था, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। समझो तो सही उसको टॉपिक को, फिर आप लोगों को उसको समझने में पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। बिजनेस इकोसिस्टम होना चाहिए, यानी कि जिसे घर में बोलते थे ना पढ़ने का माहौल होना चाहिए। पता चला बच्चे के ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं पूरे दिन माँ बाप, ठीक है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है आप लोगों को, नॉर्मल कंडीशन में कई ऐसे मेल आते हैं कई बार, कई सारे ऐसे बच्चों के, कि सर फादर साहब जो है घर में ड्रिंक वगैरह करते हैं और फिर आकर वही मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो ऐसा माहौल देखने को मिल जाता है, माँ बाप के साथ में आपस में लड़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर कैंपेन पड़ रहा है, वो एक अलग माहौल नजर आएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर माहौल होना चाहिए काम करने का, चाहे पढ़ाई करने का। तो यहाँ पर इफिशियंट बिजनेस इकोसिस्टम होना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके। अब कोई बोल दे आप लोगों को जाकर यूक्रेन में जाकर इन्वेस्टमेंट कर लो, जाओगे क्या आप लोग, भाई साहब पैर ही नहीं पड़ने, क्यों, क्योंकि किसकी हिम्मत है वहां पर जाकर, रशिया बम बरसा रहा है तो कौन जाएगा काम करने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग प्रोवाइड करो, आने जाने का रास्ता होना चाहिए प्रॉपर, ऐसा नहीं कि वहां पर रोड ही नहीं है ढंग से, कौन आकर वहां पर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करेगा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी लोग आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और गुजरात में ये शानदार है, पहले से मोदी जी साहब के द्वारा काफी अच्छा काम किया गया, आप लोगों ने सुना गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। तो वो एक तरीके से उन्होंने ढांचागत विकास पर काफी काम किया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में ले लो, एजुकेशन के फील्ड में शानदार काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई काम करना चाहता है तो आराम से वहां पर आकर काम करेगा।
तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो ये जो पिलर है इनका बेसिक एम रहेगा कि एक तरीके से यहाँ पर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी बनाया जाए ताकि हम लोग चीजों को एक्सपोर्ट भी करें। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करे थे कि एक डिस्ट्रिक्ट में से कम एक प्रोडक्ट ऐसा निकाल के लेके आओ कि उसको बेच सके। जैसा अगर आप लोग अपनी जिंदगी में भी कोई एक ऐसी हॉबी बना लो कि यार इसमें तो मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, ठीक है, टिक नहीं सकता मतलब घमंड नहीं करना है अपने आपको कि हाँ यार मैं ही महान हूं इसमें, ठीक है, मतलब कि उस पर रिफाइंड करते रहो उसको शानदार तरीके से, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो टिकने का मतलब नहीं, मतलब एक तरह से कॉम्पिटिशन किसी और के साथ में नहीं करना है भाई, अपने आपके अपने साथ में करना है, ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये देखने को मिलेगा। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये देखेगा तो परफॉर्मेंस कब अच्छी रहेगी, जब हम लोग अच्छे से माहौल बनाएंगे, सारा काम करेंगे अच्छे से, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर दिस इज द ओनली आउट बेस्ड जो पिलर है जो कि एग्जामिन करेगा कि कहां कहां तक आप लोगों का एक्सपोर्ट पहुंच रहा है। जैसे कि आप लोग लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर मैंने काफी सारे दोस्तों को आपका लेक्चर दिखाया, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, उनको देखने के बाद उनको लगा वाओ यार कितनी अच्छे से पढ़ाई की जा रही है ऑनलाइन, ठीक है, मतलब उसने बोला कि यार पहले से क्यों नहीं बताया मुझे, तो बच्चा बोला है सर मुझे लग रहा था कि यार तुम ये बोलोगे कि पता नहीं क्या सुनता रहता है, ठीक है, नहीं कई बार कई सारे लोग एक तरीके से नहीं झिझकते हैं बताने में किसी को कि हाँ यार हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन जैसे यहाँ पर पता चला तो वो भी देखने लगे, तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि अब आप लोग उनके साथ में जब कभी बैठ के डिस्कशन करोगे तो आप लोग का डिस्कशन अच्छा होगा, तो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को भी फायदा होता है उस चीज से। तो इसलिए कहते हैं कि जो एनवायरमेंट है ना, जो फ्रेंडशिप है वो एक अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छे से आप लोग काम कर सको, ठीक है, तो ये सारी बात है। तो इस जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस जो इंडेक्स है यहाँ पर, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि फंडामेंटल एरिया कौन से हैं जहां पर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कैसे हम लोग अपने एक्सपोर्ट को अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कई सारे बेसिकली चार पिलर यहां पर बोला जा रहा है, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट और यहां पर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहां पर ये डिटेल में बता दिए चारों के चारों, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी 11 सब पिलर भी हैं। सब पिलर का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर आप लोगों को बोला जाए, मैंने बोलते हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या, ठीक है, आप लोग बोले कि सर हिस्ट्री नहीं हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हिस्ट्री नहीं हम लोग सर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सर हम तो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो करने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर सब पिलर हो गए, यानी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बोलेगा आकर कि सर हम तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक और हिस्ट्री है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे है क्या ये, है कुछ नहीं है हिस्ट्री, बस अलग अलग नाम डिवाइड कर दिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही एक्सपोर्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बात की जा रही है, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, अगर वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, पैसा मिलना काफी जरूरी है, बिना पैसे के कैसे काम होगा, अगर कोई भी काम करना है तो उसमें एक मिनिमम पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, ट्रेड सपोर्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो ये सारे सब पिलर हो गए यहाँ पर इसके, ठीक है, तो आप लोग इसको समझिएगा, इस तरीके से सारी चीजें आप लोग क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पर, ये नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है जिनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार, तो उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर ये जो है रिलीज किया गया, और इन्हीं के साथ में मिलकर यहाँ पर कौन थे, वो थे सीईओ, इनका नाम था अमिताभ कांत, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये काम किया, और डिपार्टमेंट कॉमर्स जो सेक्रेटरी है बीवीआर सुब्रमण्यम और कई सारे और भी डिग्निटरी थे, इनके द्वारा ये मिलकर प्रेजेंट किया गया। मतलब ये जो पिक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को, ये यही सारे लोग आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, तो समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की जा रही है, और हमारे देश में भी आप लोगों को पता है 400 बिलियन का आंकड़ा पार किया गया, तो कभी भी ये चीजें कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं करता है, सबको मिलकर यहाँ पर काम करना पड़ता है जब जाकर हम लोग ये अचीवमेंट कर पाते हैं। तो इसको आप लोग अंदर तक बात को उतारिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप लोग ढंग से समझोगे तो फिर आप लोग एक तरीके से काम कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है यार, अगर ये चीजें आप लोग समझ रहे हो ना, अभी आगे चलकर आप लोगों को भी काम करना है, ठीक है, आप लोग जाओगे कोई यहाँ पर बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है, कोई आरबीआई का गवर्नर बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी अपने अपने फील्ड में काम करोगे जाकर, तो आप ही तो आने वाले फ्यूचर के भविष्य हो, तो आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। अब यहाँ पर कुछ और बातें बता देता हूँ, यहाँ पर इस पर्टिकुलर के अंदर बोला गया 3 मेजर चैलेंज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, एक तो ढांचागत की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि इंट्रा और इंटर रीजनल डिफरेंसेस। एक राज्य ऐसा है जो काफी कुछ अलग तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है, दूसरा कुछ अलग तरीके से, एक एरिया में रोड काफी अच्छी है, दूसरे एरिया में रोड काफी बुरी है, तो कई सारे ऐसे डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर दिक्कत निकल के आ जाती है, तो इसके ऊपर काम करने। वीक ट्रेड सपोर्ट, यहाँ पर अच्छे लेवल पर ट्रेड को सपोर्ट नहीं मिल पाती है, अक्रॉस द अगर स्टेट के अंदर में आप लोग बात करें, उनको और ही मुद्दे से फुर्सत नहीं, अपना कई सारे ने करप्शन करने में लगे हुए हैं, मतलब पता ही नहीं है एजुकेशन कहाँ जा रहा है, हेल्थ कहाँ जा रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई फोकस ही नहीं करता है, हर एक इंसान ये सोचता है कि मेहनत न करनी पड़े, सामने वाला क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट करो और बस स्टार्ट हो जाओ, ये धंधा आप लोगों को नजर आएगा काफी लार्ज स्केल पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि अपना खुद से मेहनत ही नहीं करनी है।
तो ये एक तरीके से भेड़ चाल वाले लोग आप लोगों को नजर आएंगे। खुद उनसे सोचने में अपना कुछ करना है, उनसे सर में दर्द होता है। मार्केट में कौन कर रहा है उसको कर लो, बस अपना टाइम चलता रहेगा, रोजी रोटी मिलती रहेगी, और क्या करना है। ऐसे करते करते एक दिन मर जाएंगे, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी कि अपना खुद से नहीं काम करना है। चाइना आगे कैसे निकल गया? ऐसे तो निकल गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं भाई साहब, दबाकर चीजों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बैठे बैठे उनको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। कभी इससे ले लिया, उससे बना बनाया सामान ले लिया। तो ये काफी जरूरी है, जिसके ऊपर हम लोग काम नहीं करते, इनके ऊपर काम हम लोग को करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें सुधरेंगी। प्राइमरी गोल लेकर बनाइए अपने की, गोल कैसे रखना है। जैसे कि यहां पर बात की जा रही है, फेवरेबल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज होनी चाहिए, कि लोगों को लगे कि यार हाँ, हम लोग इस फील्ड में काम करें, कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में अगर कुछ ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक्सपोर्ट हो सकता है। यानी कि मैं आप लोगों को बोलने लगूं कि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो काफी बुजुर्ग होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग काम करना चाहिए कि बुजुर्ग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब इंसान बूढ़ा होता है, उसमें कोई स्टार्टअप आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या। तो ये बातें आप लोग देख लें। गर्मी आ रही है, जैसे अभी यहाँ पर गर्मी आते आते अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे जो पक्षी हैं बेचारे वो दिक्कत में आने लगते हैं, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है। उनके पानी के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किया जा सकती है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें सोच सकते हैं कि आप लोग मिट्टी के बर्तन कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो अलग अलग लेवल पर हर एक इंसान कुछ ना कुछ सीखकर काम करेगा। कई सारे लोग ऐसे हैं, अपने आप अगर आसपास वाले रीजन में उनको गंदगी दिखती है तो उसके सफाई के लिए मुहिम वो चला देते हैं। तो हर एक इंसान का कुछ तरीका होना चाहिए, ठीक है। बात की जा रही है ईज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में, प्रमोट करने के लिए सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। तो यानी कि हर एक लेवल पर यहां पर आप लोगों को प्रमोशन करना है, उसके लिए इजी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए आप लोगों को, तो ये बोला जा रहा है। इसी के साथ में क्रिएट करना है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट, ये तो मैंने बताया दिया कि ढांचागत विकास आप लोग करना है। आइडेंटिफाई करना है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आप लोगों की, जो कि यहाँ पर इंप्रूव करे एक्सपोर्ट की कॉम्पिटेटिवनेस को, कि सामने वाले का प्रोडक्ट कैसा है, आप लोग कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, और क्या आप लोग अपने प्रोडक्ट को सही से प्राइसिंग कर पा रहे हैं। पता चला आप लोगों का प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस जो है ठीक सेट नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे लेकर चलोगे। और इससे भी नहीं सही कसर जो पूरी हो जाती है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां फेडरलिज्म है, संघवाद का ढांचा है, सबको मिलकर साथ में लेकर चलना है। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तभी जबकर होगा हमारी कंट्री का आधार बेस एक तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में यहाँ पर याद रखिएगा। इस इंडेक्स की कुछ रिपोर्ट है यहाँ पर आप लोगों के सामने, यहाँ पर जिनको आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग तरीके से इनके द्वारा बोला गया, कोस्टल जो राज्य है उनकी परफॉर्मेंस शानदार है यहाँ पर एक्सपोर्ट के बेस पर। तो यहां से आप लोगों को जैसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि सबसे शानदार परफॉर्मेंस किसकी रही, तो कोस्टल राज्यों की परफॉर्मेंस ज्यादा रही, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इनकी शानदार परफॉर्मेंस है अगर बोला जाए तो, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं, आप लोग अपना चेक कर लेना जितने राज्य बता रखे हैं। हिमालयन के बारे में बात करें तो सबसे टॉप पर कौन है, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर त्रिपुरा, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर, यानी कि जहां पर पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। लैंडलॉक में अगर बात करें, सबसे बेस्ट पर है हरियाणा, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना। आप लोगों का राज्य कौन सा है, ठीक है, आप लोग ये बताना है, और आप लोगों के राज्य का स्कोर क्या है और रैंक क्या है, जैसे लैंडलॉक में है आप लोगों का या फिर हिमालयन में है, कोस्टल में है या फिर जो यूनियन टेरिटरी या फिर जो सिटी स्टेट है, दिल्ली, गोवा हो गया, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या पुडुचेरी, तो इनमें आप लोग देखिए। तो ये इस तरीके से इसको आप लोग यूज जरूर करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने एक एक कर आप लोगों को यहां पर बता दी है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल ही डिस्कस किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आज आप लोगों को देना है अपने आप से, इसको अटेम्प्ट कीजिए। और इसी के साथ में नीति आयोग भी मैंने कल ही पढ़ाया था, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है तो ज्यादा पुरानी यादाश्त नहीं होगी, तो कल के लेक्चर में पढ़ाया तो देखता हूँ किस किस को याद है। नीति आयोग जो है कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनके आंसर दो, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनके आंसर आप लोग दोगे। और बीइंग ए मेंबर ऑफ फैसिलिटी फैमिली, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया तो फिर आप लोग उसको भूलते नहीं हो, एक अच्छा मेमोरी आप लोगों का बनता जा रहा है, क्योंकि आप लोग चीजों को रिकॉल करना जान गए हो, ठीक है। तो यहां पर नीति आयोग के बारे में बात करूं तो आप लोगों को बताना है कि नीति आयोग जो है वो कब स्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर वन, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन और सीईओ के बारे में आप लोगों को बताया दिया। अब चेयरपर्सन के बारे में मैं आप लोगों से यहां पर पूछ रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था रीजनल काउंसिल के बारे में, रीजनल काउंसिल जो बनाई जाती है यहां पर नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के जो यहां पर मिलकर जो ग्रुप के द्वारा, उसको कौन चेयर करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को कल डिटेल में पढ़ाए थे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे निराशा नहीं देंगे, ठीक है, मतलब मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे और मुझे निराशा हाथ नहीं लगेगी, मुझे आशा हाथ लगेगी। और ये तो 2013 पूछा गया, ये भी कल डिस्कस किया था, और इसका भी आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, यानी कि कल मैंने पढ़ाया था, आज आप लोगों को मुझे पढ़ाना है, ओके। तो ये था यहाँ पर बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की समझ में पूरा टॉपिक आ गया होगा। अगर हाँ तो थम्स अप देकर बता सकते हैं कि आ गया है, अगर ना तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएगा कि क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं आप लोगों को आगे से और अच्छे लेवल पर पढ़ाने की कोशिश करूं। तो ये था पूरा टॉपिक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये जो टॉपिक है ये एजुकेशन के साथ में आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं, एक काफी उम्दा बेहतरीन तरीका टॉपिक है यहाँ पर। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के चलते बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली,
कि 12वीं पास कर ली है, उसके चलते यहाँ पर कई सारे राज्य में ये रहा कि यहाँ पर क्या कि 12वीं के एग्जाम नहीं हुए फिर भी आगे प्रमोट कर दिया गया, वो सारे इशू देखने को मिले। अब यूनिवर्सिटी को ये लग रहा है कि यार पता नहीं कैसे कैसे बच्चे आ जाएंगे, मतलब कि स्कूल वाले ने तो पता नहीं कैसे कैसे पास कर दिया होगा, तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। उसी के बारे में ये आर्टिकल यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ पर कवर किया गया काफी डिटेल में। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या फिर आप लोग जीएस पेपर 3 में या फिर सोशल जस्टिस के साथ में या फिर जीएस पेपर 2 में एजुकेशन के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। बात की जा रही है किसके बारे में, सीयूईटी। तो क्या यहां पर ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो है यहां पर ये बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में ये लिया जाएगा जुलाई के महीने में, जिसके चलते जो भी यहां पर आने वाले टाइम में अगर कोई ग्रेजुएट करना चाहता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो उसको बस एक टेस्ट देना है और उसका एडमिशन यहां पर हो जाएगा। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग आज के डेट में कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो आप लोगों को बस ये टेस्ट देना है और ये टेस्ट देने के बाद में आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। अब चाहे आप लोगों ने 12th जो है झक मार कर पास किए और चाहे आप लोगों ने 12th कैसे किए, 12th के मार्क्स का इसके ऊपर कोई जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि 12th में आप लोगों ने कितने भी अखंड गुनहगारी की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग इसको यहां पर लेकर चल पाते हैं। तो यहां पर आप लोग बादशाह बन सकते हैं अगर 12th में आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मेरे हिसाब से तो आप लोग बोलना चाहिए कि एक सेकंड चांस आप लोगों को मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का। ठीक है, बात करते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट है यहां पर, ये जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो यहां पर यू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है यहां पर ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होगा यहां पर, जो कि कंडक्ट किया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा जिसका नाम है NTA। बेसिकली 2022-23 के लिए बोथ यूजीसी यानी कि एक तरीके से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि 12वीं के बाद में अगर कोई यहां पर जाना चाहता है या फिर अगर आगे भी कोई बढ़ना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो उसके लिए भी यहां पर ये टेस्ट का बेसिकली एक क्राइटेरिया तैयार किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से जो एग्जैक्ट डेट वगैरह यहां पर एंट्रेंस के लिए यहां पर वो अभी अनाउंस की जाएगी आने वाले टाइम में। तो जो यूजीसी के चेयरमैन है उनके द्वारा बोला गया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टेस्ट जो है यहां पर, ठीक है, तो ये एक तरीके से यहां पर ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में यहां पर बोला जा रहा है आने वाले टाइम में, और एप्लीकेशन प्रोसीजर भी यहां पर स्टार्ट किया जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। यानी कि अगले महीने से आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिलने लगेगी, और इसके बेस पर अगर चाहे तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी यहां पर अपने हिसाब से काम कर सकती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे IBPS वगैरह का पेपर होता है ना आप लोगों का, अलग अलग बैंक जो है वो अपने फॉर्म निकाल देते हैं, ठीक है, कि भाई साहब हम यहां पर हम भी भरेंगे। ठीक है, तो एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, IBPS करवा रहा है। सोचो कल को यूपीएससी एग्जाम ले ले और वो स्कोर कार्ड देकर छोड़ दे, ठीक है, यूपीएससी ने एग्जाम ले लिया और स्कोर कार्ड दे दिया यहाँ पर कि यहाँ पर इसका स्कोर ये है इसका स्कोर ये है, और फिर क्या करे सारे के सारे राज्य जो है वहां से अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों को उठा ले, ठीक है, मतलब कि सबकी लिस्ट में जिसे काउंसिलिंग होती है। मुझे बड़ा अच्छा फंडा लगा, अलग अलग से जाकर ये फंडा क्रिएट करके यहाँ पर अलग अलग स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। सोचो अगर ऐसा हो कि जैसे IIT का पेपर हो गया, सारे IIT को भर लिया, बाद में AIEEE का पेपर हो गया उसको भर लिया, बिल्कुल ऐसे अगर यहाँ पर अगर यूपीएससी जो कंडक्ट कराए पेपर उसमें जो टॉप हो गए वो सेंट्रल में चले गए, जो थोड़ा नीचे रहेगा वो स्टेट में चले गए, जो थोड़ा और नीचे आगे जैसे SSC के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है जो होता नहीं है कई बार, तो वहां पर आगे तो सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा ना। एक सही क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में आप लोगों ने एक बात देखी होगी, वैसा कभी पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा यूपीएससी ने कभी घपला कर दिया, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं हाई क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में देखने को मिलेगा। और ये घपले बाई चल रहे ना 5 लाख देके 6 लाख देके, कोई ना कोई कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पैसे चल रहे हैं उस तरीके की चीजें हो रही है, तो उससे भी पीछे छूट जाएगा जो किस जॉब का हकदार है वही इंसान वहां पर पहुंचेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कई सारे ऐसे करप्शन काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उससे भी पीछे छूट जाएगा। अब अच्छी बात यहां पर यह है कि आप लोगों को पता है हमारा देश जो है वो काफी डाइवर्स देश है, यानी कि डाइवर्स कंट्री है, यानी कि हमारी दुनिया भर की आप लोगों को यहां पर अलग अलग लैंग्वेज आप लोगों को नजर आ जाएगी। अब यहां पर कोई मान लीजिए कहीं से आता है कोई कहीं से आता है, तो यहां पर अलग अलग लैंग्वेज के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हिंदी मराठी गुजराती तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम उर्दू असामी बंगाली पंजाबी उड़िया और इसी के साथ में इंग्लिश, तो यहां पर ये टोटल मिलाकर 13 लैंग्वेज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ऐसा मत सोचना कि जैसे कि शेड्यूल 8 में आप लोग जाते हैं तो वहां पर टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है, ठीक है, कि 22 की 22 लैंग्वेज में यहां पर टेस्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, 13th लैंग्वेज में टेस्ट है और यहां पर एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश, 8वें शेड्यूल में इंग्लिश आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन पूछूंगा यहां पर मेरे मन में क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा चलो पूछ ही लेते हैं। आप लोगों को ये बताना है 8वां शेड्यूल जब ओरिजिनल हमारा संविधान बनाया गया था नया नया ताजा ताजा उस टाइम पर 22 लैंग्वेज नहीं थी, टोटल कितनी लैंग्वेज थी जरा ये बताइए, ठीक है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। तो ये तो होगी इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, मैं आशा करता हूं आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग कवर करा देता हूं, ये और स्टेटिक एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो जाएगी जिसका नाम है यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको बोलते हैं NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सबसे पहले तो यही होता है कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, भाई साहब बिल्कुल गवर्नमेंट है, ठीक है, 100% गवर्नमेंट है,
तो यहाँ पर ये बेसिकली गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि अप्रूव की गई थी यूनियन काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा और 2017 में बनाई गई, तो ताकि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। और गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर विनीत जोशी जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जर्नलिस्ट के बनाए गए थे। ठीक है, ये किस किस के लिए अभी काम कर रही है नॉर्मली, तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है आईआईटी जेईई के जो मेन होता है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो नेट का टेस्ट आप लोग बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, यहाँ पर ये दूसरा हो गया, कॉमन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट जिसको सीमेट बोलते हैं, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको जीपैट बोलते हैं, तो ये सारे एग्जाम जो है इसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती जा रही है आने वाले टाइम में, और अभी यहाँ पर ये वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर इसी को दे दी गई है कि भाई साहब तुम ही देख लो यार फालतू में क्यों हमारे सर में दर्द हो रहा है, ये सारा काम भी आप ही निपटा लो। तो कैसा रहा यहाँ पर, है कि नहीं बिल्कुल उम्दा तरीके से काम, तो इस तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को हो तो उसको आप लोगों को दूर कर लेना है, बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक, कैसा लगा टॉपिक थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर सकते हैं, और बाकी कोई डाउट है तो फीडबैक आप लोग बेसिकली कमेंट बॉक्स में बताएगा उसको क्लियर किया जाएगा। तो क्वेश्चन जो भी पूछता हूं कि आंसर जरूर दिया करो यार, अच्छा लगता है अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, नहीं तो फिर मेरा दिल टूट जाता है। ठीक है, मेरा दिल मत थोड़ा करो यार, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर दे दिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसके अंदर यहाँ पर कवर किया गया, जिसके चलते ये एक इंपोर्टेंट मैगजीन है जहां से ये आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बात की जा रही है प्रोटेक्ट हॉर्नबिल प्रोजेक्ट, ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये नीचे ट्राइब कहां पर पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो पूरा डिटेल में बातें करता हूं आखिर क्या मुद्दा है यहाँ पर। अगर ये आप लोग पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो हॉर्नबिल है यहाँ पर वो इस तरीके से अपने घोंसले बनाते हैं, यहाँ पर इसके अंदर जाकर ये रहते हैं, यानी कि इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अगर पेड़ काटने आप लोगों ने स्टार्ट कर दिए तो ये समझो हॉर्नबिल का जो आप लोगों का रहने की जगह है वो खराब करनी स्टार्ट कर दी, तो इनकी जिंदगी पर बनाती है, इनकी जिंदगी खराब हो जाती है अगर ऐसे काम किए जाते हैं। तो यूपीएससी के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खासकर प्रीलिम्स में आप लोगों के लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल सकता है, और जीएस पेपर 3 में यहां पर अगर बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक में जाएंगे तो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट बेसिकली यहां पर कॉन्सेप्ट नजर आएंगे। ठीक है, अभी अगर बात करें यहां पर हॉर्नबिल जो नेस्ट एडेप्शन प्रोग्राम है, ये लगभग यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट तरीके से सक्सेसफुल देखने को मिला कंजर्वेशन के फील्ड में अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगर आप लोग बात करें इनके, ये प्रोग्राम जो है काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ यहां पर नजर आया अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो पूछा जाए हॉर्नबिल नेस्ट एडेप्शन प्रोग्राम किसका है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कभी भी अगर आप लोगों से नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ बातें पूछने के लिए आए तो कंफ्यूज मत होना। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारी कंट्री में आसाम और नागालैंड, ठीक है, ये दो ऐसे राज्य हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश को टच करते हैं। तीसरा कौन है यहाँ पर, यह है बेसिकली भूटान इंटरनेशनल लेवल पर। फिर चौथा हो गया यहाँ पर चाइना, और पांचवा हो गया इधर अगर आप लोग आएंगे तो म्यांमार। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के ओनली दो राज्य टच करते हैं यहाँ पर, आसाम हो गया और नागालैंड हो गया। तो मैप में आप लोग को अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी तो फिर चीजों को आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, तो इसलिए मैप को बिल्कुल ढंग से कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हॉर्नबिल जो नेस्ट एडेप्शन प्रोग्राम है, इन्होंने बोला कि एक दशक में काफी शानदार परफॉर्मेंस रही। दशक मतलब 10 साल, मतलब 2011 में लॉन्च किया गया था, तो अभी बात कर रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ 2022 में आप लोगों, तो एक दशक हो गया पूरा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक दशक में जब देखा गया तो कंजर्वेशन का जो इनिशिएटिव था ये काफी एक यूनिक इनिशिएटिव था जिसने यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले किया, और हॉर्नबिल की जो पेरेंट ब्रीड है यहाँ पर उसको भी प्रोटेक्ट यहाँ पर कर पाए। तो किसी ने किसी के द्वारा मिलकर ये काम किया होगा, यानी साथी हाथ बटाना, अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जी हाँ, तो यहाँ पर एक एनजीओ है जो कि लोकल एनजीओ है यहाँ पर, जिसका नाम है घोरे अहबे सोसाइटी। ये एक लोकल एनजीओ है जो कि अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रही है। तो यहाँ पर इसी के साथ में जो यहाँ पर पाके पागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल कमेटी है, वो इसके साथ में फोर्थ पार्टनर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर पूरा एक कमेटी के थ्रू यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसके चलते पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है। ऑपरेट कहाँ होती है, जो यहाँ पर फॉरेस्ट आउटसाइड अरुणाचल प्रदेश, जैसे पाके टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि अगर कुछ भी काम करना है तो लंबा लगना पड़ेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, तब जाकर चीजें अचीव होती हैं। हॉर्नबिल के बारे में अगर बात करूं तो इसके बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अकाउंट करती है, अगर बात करेंगे कहां पर ये लोकेटेड है, क्या क्या इसकी कंडीशन है हॉर्नबिल की, तो चीजें आप लोग समझ पाएंगे। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN बोलते हैं, उसकी जो रेड लिस्ट है, जो ये बताती है कि कहां कहां पर क्या क्या दिक्कत है किसी भी जीव जंतु को, तो उसमें थ्रेटन्ड कैटेगरी में इसको रखा गया, इनके कंडीशन ज्यादा अच्छी है नहीं। इसकी टोटल मिलाकर 62 स्पीसीज है, ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, 62 यानी कि 62, ठीक है, अगर दूसरी साइड में जाएंगे इसको अपोजिट कर देंगे तो 26 हो गया।
इसमें से 26 जो है यहाँ पर ये लगभग 40% हॉर्नबिल की ग्लोबली थ्रेटन्ड की कैटेगरी में है या फिर नियर थ्रेटन्ड, जो कि आने वाले टाइम में खत्म होती नजर आएगी। पेड़ों को ऐसे काटा जा रहा है जैसे सरफेस से बाल काट कर फेंक देता है कि फिर रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ में दूसरी स्पीसीज जो है वो लिस्ट कंसर्न में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये एक वल्नरेबल कैटेगरी में आप लोगों को नजर आएगा। हमारी कंट्री में जो अगर बात करें जीव जंतु को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है जो आप लोगों को स्टार लगाकर याद रखना है, यानी कि इसको नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो 1972 का ये जो एक्ट है इसका शेड्यूल 1 जो है वो यहां पर बेसिकली बोलते हैं कितनी खतरनाक सिचुएशन है इस पर्टिकुलर बेसिकली जीव के लिए जिसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल के बारे में जो आप लोग को याद रखना है। थ्रेट क्या है यहाँ पर, देखिए इंसान को खाने पीने रहने की अगर जगह मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई उसके ऊपर अटैक ना करे। तो सबसे ज्यादा तो हंटिंग की जाती है, इनको मारा जाता है, खाया जाता है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। इनके जो पंख वगैरह है उनकी कहानी बेसिकली खतरनाक रहती है, उनको बेसिकली यूज करने की कोशिश की जाती है। तो पोचिंग की जाती है मीट के लिए और दवाइयों के लिए भी, और रही सही कसर जो है जब इंसान की रहने की जगह नहीं बचेगी तो फिर कहां से चीजें बच जाएगी। तो हर एक तरीके से बेचारी नन्ही सी चिड़िया जो है हमारे जैसे आदमखोर इंसानों का शिकार बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर इसकी जिंदगी पर आन पड़ी है। ये बेचारी अपनी जान बचाकर घूमती रहती है, बचती रहती है, ठीक है। और सारे जीव जंतु को कुछ ऐसा ही माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का अप्रिशिएट करने लायक बेसिकली आप लोग ये मूव है कि इतने शानदार तरीके से इनके द्वारा काम किया गया। और इसमें भी नियेसी जो ट्राइबल कम्युनिटी है इनको सैल्यूट है कि इन्होंने मिलकर यहाँ पर काम किया अरुणाचल प्रदेश के अंदर में इसको अचीव करने के लिए। फॉरेस्ट इंजीनियर भी बोला जाता है और यहाँ पर बेसिकली फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है कि रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। कई बार जैसे कि सीड वगैरह होगी, एक जगह से बीज उठाए दूसरी जगह ले जाकर डाल दिए, ठीक है, तो इसकी वजह से कई सारे ऐसे पेड़ वगैरह भी उठते हुए नजर आते हैं। और अगर बात करें तो कल्चर का भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में, ठीक है, याद रखिएगा। इसी हॉर्नबिल जो यहाँ पर ये पक्षी है चिड़िया है इसी के नाम पर यहाँ पर नागा ट्राइब जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है। इंडिया के अंदर लगभग 9 स्पीसीज पाई जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में हाईएस्ट आप लोगों को स्पीसीज देखने को मिलेगी। और ये हॉर्नबिल जो है ये स्टेट बर्ड भी है अरुणाचल प्रदेश की और केरला की, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो प्रोग्राम है ये अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और अरुणाचल प्रदेश और केरला के अंदर में हॉर्नबिल जो है यहाँ पर ये एज ए स्टेट बर्ड के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि चारों तरफ से एक एक जो आप लोगों के जो पॉइंट है स्टेटिक पॉइंट इनको आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि सारा स्टेटिक पोर्शन है यहाँ पर, वरना न्यूज तो इतनी सी खत्म हो गई, ठीक है, प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम खत्म हो गया, इतनी थी बस न्यूज। बाकी का ये क्या हो रहा है, कितने इसके बारे में थ्रेटन क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सारा एक्स्ट्रा स्टेटिक पोर्शन आप लोगों का होता है जो कि रिसर्च कर आप लोगों के लिए आता हूँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटे, ठीक है। वरना बीइंग एसएलवी फैमिली मेंबर फायदा क्या है फिर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दो तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेगा। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो थम्स अप देकर बताना कि आर्टिकल पसंद आया नहीं आया, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बताइएगा कि कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, तो ये था पूरा शानदार अलग अलग टॉपिक्स का आप लोगों का डिस्कशन, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों से कवर की, एक एक कर आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर बात की एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या सिस्टम हम लोग यूज करने की कोशिश करें, डिजिटली कैसे यूज करें, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, और एक स्कीम भी हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने इसके अंदर कवर करी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की, उसमें नीति आयोग के बारे में कई सारी बातें की। इसी के साथ में एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, कौन कौन से राज्य में क्या क्या एक्सपोर्ट चल रहे हैं वो जाना, कौन से पिलर है इसके, सारी चीजें डिटेल में समझी। इसी के साथ में कैसे कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से राज्य की क्या क्या परफॉर्मेंस है वो, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग स्लाइड को जैसे डाउनलोड करेंगे उसमें मैं आप लोगों को नीति आयोग की भी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। चलिए दिखाई देता हूँ आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो डाल दी है मैंने, क्योंकि कल ही पढ़ाया था तो आज फिर से इसको बिल्कुल रिपीट करने कोई मतलब नहीं बन रहा था, तो मैंने फिर भी इन्फॉर्मेशन डाल दिया ताकि आप लोग अच्छे से उसको देख सको। स्लाइड जरूर डाउनलोड कर ले कीजिए पीपीटी, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा रहती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, ऐसा नहीं कि कोई चार्ज आप लोगों को लग रहा है। तो टेलीग्राम पर जाइए, वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर ले कीजिए, ठीक है। तो ये है स्टडी लवर वीर के नाम से ऑफिशियल जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। 153,000 करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो सारी चीजें आराम से आप लोग देखते हैं। बाकी आंसर राइटिंग के लिए आप लोग इस ग्रुप पर जा सकते हैं, क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, आप लोग यहाँ पर अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, जो रेगुलर कई सारे बच्चे आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पर आंसर लिखते हैं। तो आप लोग भी अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो अपना आंसर आप लोग पोस्ट कर दीजिए और एक दूसरे का आंसर आप लोग एनालाइज कर लें, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन जाइए, तो एक अच्छा माहौल मिल जाएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। और बाकी यहाँ पर एक एसएलवीपीडिया के नाम से यहाँ पर मैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए तीन चैनल है, तीनों के तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आर्टिकल में काफी इंपॉर्टेंट चीज देखी मैंने आप लोगों को यहाँ पर, बेसिकली क्या एग्जाम के बारे में बात की, कौन कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पर एग्जाम है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में हम लोगों ने बात की, तो ये इंपॉर्टेंट है। डाउन टू अर्थ मैगजीन का आर्टिकल डिस्कस किया फोन बिल के बारे में, कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, सारी एक एक करके मैंने बातें आप लोगों से क्लियर की। तो कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर कर लिया। एक आर्टिकल ये बच गया क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है और आर्टिकल में जा नहीं रहा है यहां पर फालतू में एक टाइम पास करूं, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करना है मुझे, मैं पढ़ाता हूं तो उसका मतलब ये रहता है कि आप लोग उसको क्वेश्चन नहीं छोड़े हुए, तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि देखिए थोड़ा टफ पड़ जाता है, कोई आर्टिकल बच जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर चीजें बहुत ज्यादा मैनेज करनी पड़ती है, तो इसके चलते मतलब फिर भी मैनेज करूंगा, टेंशन मत लेना, तो आप लोगों को अच्छे से आर्टिकल कवर करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। पर हाँ मैं ये सोचता हूँ कभी कभी अगर कोई वीडियो में लेकर ना हो और उसको अगले दिन में लेकर आऊं तो 2 घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाएगी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर संडे में रहने दिया करे, अगर संडे में मैं रहने दूं तो सोचो कि मंडे मुझे 2 घंटे की वीडियो लानी पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया अगर मैं 1 घंटे की लेकर आ रहा हूं तो इसका मतलब ये मैंने आर्टिकल ढंग से कवर नहीं किए, 1 घंटे की तो मैं डेली लेकर आ रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। तो ये थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है, आर्टिकल छूट तो जाता है, इसलिए मैं संडे में कई बार आर्टिकल कवर कर लेता हूँ द हिंदू के अगर बच जाते हैं, क्योंकि उस दिन टाइम बच जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन थे आप लोगों के, CSWS क्या है, एक बंदूक के बारे में डिस्कस किया था काफी डिटेल में, DRDO की ये बंदूक है, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है आर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये किसके अंडर में आती है, पुणे में है यहाँ पर ये, ठीक है। सोलोमन जो आइलैंड है कौन वहां पर एम्बेसी बनाने वाला है, काफी डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब के द्वारा RBIHA किया गया लॉन्च, इसके बारे में बात की थी। WTI क्या है बेसिकली, इसके बारे में आप लोगों को बताना था, और यहाँ पर नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात की थी डिटेल में टॉपिक, तो एक एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी आप लोग देख रहे हैं अगर इनके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही से दे देना तो इसका मतलब यह कि कल की वीडियो आप लोगों ने अच्छे से सुनी है, अगर नहीं तो आप लोगों को रिविजन की बहुत सख्त जरूरत है, तो ये आप लोग जरूर देखा करो, ठीक है। बात करते हैं कॉर्नर बसली कॉर्नर शॉट जो वेपन सिस्टम के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, तो सारी बातें एक क्लियर होनी चाहिए। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पुणे के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है आर्म, इसका नाम बेसिकली आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा ये बंदूक बनाई गई है। USA जो है वो अपनी सोलोमन आइलैंड पे अपनी एम्बेसी खोलने वाला था जो मैंने डिस्कस किया था। RBI के गवर्नर साहब के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ये लॉन्च किया गया, बैंक के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, लोकेशन याद रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। जो नीति आयोग है उसका 5वां संस्करण यहां पर देखने को मिला, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया WTI अवार्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दे दी गई है कि फेक क्लेम जो भी है यहां पर, अगर एस्ट ग्रीसिया यानी कि COVID-19 के जो लोग डेथ हुई उनकी, जो कि फेक क्लेम करेंगे हमको पैसा चाहिए, तो उसका चेक करना है, और यहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको सजा मिलेगी अगर गलत तरीके से यहां पर वो बेसिकली ये काम कर रहे हैं। तो ये पूरा एक तरीके से डिस्कस कर लिया, तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग यहां पर है तो, ठीक है। बाकी यहां पर इसके साथ में आप लोग देख लेना कि यहां पर आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और कोशिश करो कि जब भी टाइम मिले थोड़ा सा पक्षियों के लिए थोड़ा पानी वानी रख दिया करना, अभी यार गर्मी आ रही है तो ये काम जरूर करना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, तो मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करो, गर्मी हो रही है, जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई निपटा लिया करो, ठीक है।